व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। सबसे पहले आप सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को तो पता ही होगा कि आज बहुत ही स्पेशल दिन है, आज शिवरात्रि है। तो सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और आज मैं आपसे अपना ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर बने रहिए। सुबह उठकर नहाकर हम तीनों हो गए हैं रेडी, और अब जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। आज शिवरात्रि है तो आज मंदिर जाना तो बनता है। देखिए, जब मेरे मैरिज एनिवर्सरी थी तो उस दिन मैं पूजा करने नहीं गई थी बाहर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए। लेकिन आज शिवरात्रि है तो आज मैं आ गई हूँ मंदिर भोले बाबा के दर्शन के लिए। अगर आज मेरा एग्ज़ाम भी होता ना तो भी मैं मंदिर ज़रूर आती। एग्ज़ाम में केवल मेरे 2 दिन बचे हैं तो मुझे थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा था, तो सोचा क्यों ना मंदिर आ जाऊँ। मंदिर आने के बाद एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है, ऐसा लगता है कि भगवान ने मन को बिल्कुल पीसफुल बना दिया है। प्रसाद लेने के बाद हम जा रहे थे मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए, और अभी सुबह के 8 बज रहे थे। हम सुबह 8 बजे इसलिए मंदिर आए थे क्योंकि हम सोच रहे थे कि आने के बाद थोड़ी हमें कम भीड़ मिलेगी और हम पूजा आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद नज़ारा कुछ अलग था। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मुझे लग रहा था कि मंदिर थोड़ा खाली मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर में काफ़ी भीड़ है, पर भीड़ से स्ट्रगल करते हुए फाइनली मैं मेन मंदिर तक पहुंच गई थी। आप में से कितने लोग हैं जो आज शिवरात्रि के दिन शिव बाबा की पूजा करने मंदिर जाते हैं या फिर मंदिर गए थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। सब लोग शिव बाबा पर अपने प्रसाद, भांग, धतूरा, बेलपत्र सब अर्पण कर रहे थे, और मैं आपको बता रही हूँ कि भोले बाबा बहुत ही प्यारे दिख रहे थे, और भोले बाबा से मुझे बहुत ही एक अलग टाइप का कनेक्शन फील होता है, इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए, आप भी शिव बाबा के दर्शन। फाइनली पूजा हो गई है कंप्लीट, और हम जा रहे हैं अब वापस घर। आज मैंने फास्ट रखा है, तो आप में से कितने लोग शिवरात्रि के दिन फास्ट रखते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो यहाँ पर एक जूस वाले भैया दिखे, तो हमने सोचा कि चलो जूस पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से हमने पानी भी नहीं पी थी। तो फिर यहाँ पर हम जूस पीने में लग गए हैं। हे व्यूअर्स, सुबह के 9:15 बज गए हैं और मैंने पूजा भी कर लिया है, और अब मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं पेडागॉजी का रिवीजन करने वाली हूँ। अभी कोई ऐसा मेरा फिक्स रूटीन नहीं है कि मुझे इस टाइम पे ये सब्जेक्ट करना है और इस टाइम पे इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, क्योंकि अब केवल एग्जाम में 2 ही दिन बचे हैं, तो जिस सब्जेक्ट की जितनी डिमांड है मैं उतना रिवीजन कर रही हूँ। कल मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जिसमें मेरी व्यूअर्स कह रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एग्जाम को लेकर। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, इस टाइम पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम तैयारी बहुत अच्छी करके रखते हैं, लेकिन हमें अंदर से डर लगता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और हम एग्ज़ाम में जाकर खराब परफॉर्म कर देते हैं, और उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं। हमें लगता है कि अरे, क्वेश्चन तो बहुत ईजी आए थे लेकिन मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ। और ये होता किस लिए? अल्टीमेटली इसके पीछे एक ही रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर आप डर रहे हैं तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर अभी ये फेयर होगा कि उनको बहुत डर लग रहा होगा कि अभी एग्ज़ाम तुरंत होने वाला है और अब प्रिपरेशन भी उतनी अच्छी नहीं हुई है, तो कैसे परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम में। तो अगर आपको दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपने अंदर से इस फेयर को हटाना होगा। देखिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस रखना होगा कि जितनी भी आपने पढ़ाई की है वो इनफ है, और अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाइए कि आपने जितना पढ़ा है उसमें से जो भी आएगा एग्जाम में आप उसको अच्छे से टिक कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा डर जाएं कि जो आता है वो भी आप भूल जाएं और एग्ज़ाम में जाके अल्टीमेटली आप खराब परफॉर्म कर दें। जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ था तो मुझे भी डर लग रहा था कि हाँ, फर्स्ट डे ही मेरा एग्ज़ाम है, किस तरह का पेपर आएगा, और मैं थोड़ा डर गई थी और कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद को काम किया, रिलैक्स किया, और फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस गेन किया कि हाँ चलो, जितना मैंने पढ़ा है उतना सफिशियंट है, और जितना मैंने पढ़ा है उतने में से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको आराम से टिक कर पाऊंगी। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपने जितना पढ़ा है आप उस पर ट्रस्ट करिए और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आइए। और एक बात और, अगर मान लीजिए आपने 2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी की है, जब से एग्ज़ाम का फॉर्म आया है उसके बाद से ही अगर आपने पढ़ाई करनी शुरू कर दी है, तब तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बहुत अधिक पढ़ लिया होगा और आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने तब पढ़ना शुरू किया है जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ था कि 21 फरवरी से होने वाला एग्ज़ाम,
तब से अगर आपने पढ़ना शुरू किया है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और एफर्ट लगा दीजिए। भले ही 2 दिन बचे हैं लेकिन 2 दिन को भी वेस्ट क्यों करना है, इसमें भी आपने जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एफर्ट लगा दीजिए और अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए। लास्टली मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं जो शेर से बहुत बड़े होते हैं, जैसे हाथी, हाथी शेर से बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोनों को अलग क्या करता है, उन दोनों का एटीट्यूड अलग करता है। हाँ, शेर के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो फियरलेसनेस है, वो हाथी के पास नहीं है, इसलिए वो जंगल का राजा है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि बी फियरलेस, फियरलेस रहिए और जाकर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए। आपको सबसे कम्पीट करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए कि आपने जो पढ़ा है आप उससे जो भी क्वेश्चन आए 100% उसमें आप अपना परफॉर्मेंस दे सके। अगर आप अपने परफॉर्मेंस को एनहेंस करना चाहते हैं और मेजर करना चाहते हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स में कहाँ लाई करते हैं, तो इसके लिए टेस्ट बुक एक आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक अवेलेबल हैं। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की या फिर टीचिंग एग्जाम्स की, इन सभी एग्जाम के मॉक्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको टेस्ट बुक में आराम से मिल जाएंगे। इसके अलावा सेक्शन वाइज मॉक भी इसमें अवेलेबल होता है, आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बहुत सारे मॉक इसमें लगा सकते हैं। इसमें आपका सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि ये बहुत कम दाम में 18 मंथ्स का पास जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। अभी करेंटली 299 में आपको 18 मंथ्स का पास मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड स्त्री अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और केवल 269 में ही आपको 18 मंथ का पास मिल जाएगा। अगर आप भी टेस्ट बुक से मॉक परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहां से विजिट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशन स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी, आपको गाइड करती रहूंगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में।